नाइन पॉइंट वन का फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द लाव फोर्स टुअर्ड्स द पोल अंडर विच द कर आर एस्ट पावर एंड इक्वल टू ए रेस्ट पावर एंड कॉस एंड थीटा कैन बी डिस्क्राइब्ड हैंस ऑफटेन द लव फोर्स अंडर विच ए कार्डियोइड इज डिस्क्राइब्ड हमें लव फोर्स फाइंड आउट करना है पोल के टुअर्ड्स जब ये कर्व डिस्क्राइब होगा और इसके लाव फोर्स का यूज करके हमें कार्डियोइड जब डिस्क्राइब होगा उसके लिए लाव फोर्स फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन गिवन हमें गिवे करूगी आर टू पावर एंड इक्वल टू ए टू पावर एंड कॉस एंड थीटा इसके लिए लाव फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म है डी स्वयर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन में हमें एक तो यू की वैल्यू पुट करनी है यू की वैल्यू तो हमारे पास है और यहाँ d square u upon d theta square की वैल्यू लेके आनी है इस कर्व की इक्वेशन का यूज़ करके तो हम ये वैल्यू लेके आते हैं इसे इक्वेशन वन नाम दे देते हैं पुट करते हैं u की वैल्यू वन बाय r u की वैल्यू वन बाय r मीन r की वैल्यू हो जाएगी वन बाय u ये इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ कर्व बिकम्स यहाँ बन जाएगा वन अपॉन में यू की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन कॉस एन थीटा यह हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू तो हो जाएगी यू की पावर एन ए की पावर एन कॉस एन थीटा इज इक्वल टू वन इक्वेशन टू अब यहाँ हमें u का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए थीटा के विद रिस्पेक्ट टू तो इसके लिए हम पहले दोनों साइड लो कंसीडर करते हैं टेकिंग लोग ऑन बोथ sides ऑफ टू तो लोग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो उनके ऊपर लोग अप्लाई होके अलग अलग लोग होके उनका एडिशन हो जाता है मीन इज इक्वल टू लोग फॉर्मूला लगाया लोग ऑफ एक्स वाई जेड थ्री वैल्यूज मल्टीप्लाई में है यहाँ पे तो ये हो जाएगा लोग ऑफ एक्स प्लस लोग ऑफ वाई प्लस लोग ऑफ जेड एक और फॉर्मूला है कि लोग ऑफ एक्स रेज टू पावर ए है कुछ मतलब एंगल की पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी और रह जाएगा लोग ऑफ एक्स ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला तो ये बन जाएगा एन लोग ऑफ यू ये एन लोग ऑफ ए एन लोग ऑफ जीरो अब हम डिफरेंशियट कर देते हैं डिफरेंशियन एज इट इज लोग यू का पहले हम यू की विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो वन बाई यू और यू का थीटा के विद रिस्पेक्ट हो जाएगा डी यू ओवर डी थीटा प्लस एन लोगो फी ये तो कांस्टेंट है तो थीटा की विद रिस्पेक्ट टू तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो प्लस इसका करेंगे तो लोग का पहले होगा वन अपॉन में लोग सॉरी वन अपॉन में कॉस एन थीटा इन में कॉस एन थीटा को का हो जाएगा माइनस का साइन एन थीटा इन में एन इज इक्वल टू जीरो तो यहां से हम डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन एन थीटा अपोन में कॉस एन थीटा टेन एन थीटा राइट एंड शाइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू बच जाएगी एन टेन एन थीटा यू डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा एन मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा एन से एन कैंसिल आउट होके डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी यू टेन एन थीटाशन थ्री अब हम एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं इसका तो डी स्के रियो अपन में डी थीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं यू इन वी फॉर्म पहले यू एज इट इज टेन एन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड कैंड स्केयर एन थीटा इन टू में एन प्लस टेन एन थीटा एज इट इज यू का हो जाएगा डी यू ओवर डी थीटा ये बन जाएगा यू एन सीकेंड कैंड स्केयर एन थीटा डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू है यू टेन एन थीटा तो टेन एन थीटा एक पर मल्टीप्लाई हो गया टेन स्क्र एन थीटा इन टू में यू अब इन दोनों में से हम यू कॉमन ले लेते हैं बचेगा एन सी एन थीटा प्लस टेन एन थीटा नाउ ये जो वैल्यू हमने निकाली है डी स्क्वेयर यू पॉन डी थीटा स्क्वे ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन टू तो, इक्वेशन वन में तो फ्रॉम इक्वेशन वन डी स्क्र यू और डी थीटा स्क्र इसकी वैल्यू हमने निकाली है यू एन सी square n एन थीटा प्लस टेन n एन थीटा प्लस यू एज इट इज यू की वैल्यू जो 1 बाई आर है इक्वल टू एफ upon में एक्स square यू square यहाँ से हम दोनों में यू कॉमन ले सकते हैं यू कॉमन लेंगे तो बच्चे की वैल्यू एन सी square n एन थीटा प्लस टेन n एन थीटा प्लस वन तो वन प्लस टेन square एन थीटा हम लिख सकते हैंकेर एंड थीटा कॉमन ले लेंगे ले तो ब्रैकेट में बचेगा एन प्लस एन थीट अपॉन में वैल्यू पुट कर देते हैं हमने दे है। अगर वन की डिवाइड में चला जाएगा तो सीकेंड एंड थीटा बच जाएगा

तो यहां से एफ इक्वल आ गया नीचे रह जाएगी आर की पावर टू एन प्लस थ्री लैमडा एक कॉन्स्टेंट है तो हम लिख सकते हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एस टू पावर टू एन प्लस थ्री तो ये हो गया लॉ ऑफ फोर्स फॉर द गिवन कर्व की जो एक्सलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी पार्टिकल की पोल से डिस्टेंस की पावर टू वन प्लस थ्री से ये मेरे